तिवारी हमारा एक्स नौकर है, दुबई में पकौड़े चलता है ये। हेलो मैंने दुबई के बारे में कुछ जानते हैं कि कहाँ पड़ता है ये? जी बस इधर रास्ते में पड़ता है। मुझे तो रास्ते में कुत्ता पड़ता है। कुत्ता। अच्छा, तो शो करवाना था आपसे। जी कराओ सी। बिल्कुल एग्री। बिल्कुल बिल्कुल। पैसे की कमी नहीं है। हाँ जी पैसा तो बहुत है मेरे पास। मैंने कहा था ना पैसे की प्रॉब्लम तो उनको होती है जिनके पास होता है। दुबई में शो कराए हुए उनका, वो आए दिन दुबई में शो करते हैं। तो वेरी गुड। उनसे पूछ रहा दुबई कहाँ पड़ता है। अब आपने किस दिन आना दुबई? मैं परसों जा रहा हूँ। परसों जा रहे हैं, ठीक है फिर उसी दिन शो रख लूंगा। क्यों? टिकट बचेगी ना। पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। तो शो किस हॉल में करेंगे आप दुबई में? शो तो मैं हर हॉल में करूंगा। छोड़ता लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? हनी जी मेरी एक शर्त है, आप गाओगे और ये डांस करेगी। यस। आपके गाने हनी सिंह के साथ। स्टेज का बजट ज्यादा होना चाहिए बस। वो पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्सेप्ट भी अच्छा है और कॉन्सेप्ट बड़ा यूनिक है भाजी, हनी सिंह के साथ गोगा कपूर। और मैं इसका डांस इसलिए करवाना चाह रहा हूँ कि दुबई में ना मेरी कुछ लोगों के साथ दुश्मनी है। मैं इसका डांस दिखाकर उनसे बदला लेना चाहता हूँ। मैं इनका शो असल में ना एक वहां पर शॉपिंग मॉल है नया खुला है, उसके कंपटीशन में ना मैंने एक पकौड़ों की दुकान खोली है। आप पकौड़े की दुकान पे शो करवाएंगे नहीं सिंह का? हाँ नो प्रॉब्लम, उस दिन समोसे भी ताल लेंगे, वैरायटी हो जाएगी। वैरायटी हो जाएगी। पैसे की प्रॉब्लम नहीं है यार, हमने पूछा पैसे की प्रॉब्लम है कि नहीं है। मेरा बताना तो फर्ज है ना। ऑडियंस कितनी होगी वहां पे? ऑडियंस यही कोई 12-13 होगी। 12-13 का स्टाफ लेके चलते हैं हनी सिंह। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। मुझे तो दुबई में कोई मुंह ही नहीं लगाता। 6-7 शेख हैं, वो तो मुझे बिल्कुल ही नहीं मुंह लगाते। और 6-7 ऊंट हैं, उनको मैं मुंह नहीं लगाता। ऊंचे ही इतने इतने होते हैं, उनको हाथ नहीं लगता, मुंह कैसे लगेगा? ए मेरी बात सुन लो, तुम लोग भूखे नंगे स्पॉन्सर। भूखे नंगे पैसे की प्रॉब्लम नहीं। अबे हनी सिंह इतने कम लोगों के सामने शो करेगा क्या? तुम एक काम करेंगे, बारिश वाले दिन शो रख लेंगे। बारिश वाले दिन ना लोग पकौड़े बहुत खाते हैं, जरा भीड़ हो जाएगी। हाँ जी हाँ जी। दुबई में बारिश आपके पापा कराएंगे? हाँ मेरे पापा के पास एक बहुत बड़ा बांस है, वो बादलों में मारेंगे बारिश हो जाएगी। पैसे की अच्छा। शो के दौरान क्या क्या फैसिलिटी देंगे आप हनी सिंह को? मैं आपको पकौड़े फ्री दे दूंगा। साथ में पुदीने की चटनी भी दे दूं। इनके साथ जो 70 लोगों का बैंड जाएगा उसका क्या? नो 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 नो, इतने पकौड़े मैं नहीं निकाल सकता। मैंने अपने भाई का शो खुद एंजॉय करना है, मैं उधर पकौड़े निकालता रहूंगा। चलो बैंड का अरेंजमेंट हम लोग कर लेंगे अपने आप। अच्छा आप इन्हें कहाँ ठहराएंगे? इतने फैन है किसी के घर में भी ठहर गए। दिमाग खराब है हनी सिंह को किसी बाहर के आदमी के घर में ठहराएगा क्या? यार 5-5 मिनट भी ठहरे के 2 दिन तो ऐसे निकल जाने। लोगों के दिलों के अंदर सेलिब्रिटी नहीं रहती। हाँ? तो ये लोगों के घर में थोड़ी देर नहीं रह सकते। चलिए छोड़िए इन बातों को। हाँ? आप ये बताइए कि पैसे कितने लेंगे? ओहो, पैसे की प्रॉब्लम नहीं है।
सिर्फ शो अच्छा होना चाहिए, शो हो ऐसा कि लोगों के कानों से धुआं निकल जाए। फिर भी बजट तो डिस्कस कर लेना चाहिए ना। इसीलिए तुम गरीब लोग तरक्की नहीं करते, हर वक्त पैसे की प्रॉब्लम, पैसे की प्रॉब्लम। कितने लेंगे वैसे आप पैसे? कपिल भाई के आप मुलाजिम रह चुके हैं तो 50% डिस्काउंट करके आप 1 करोड़ प्लस टैक्सेस दे दीजिए। 1 करोड़ प्लस ऐसे की तो प्रॉब्लम नहीं है। 1 करोड़ पैसे की तो प्रॉब्लम नहीं है। पकौड़े बेचने वालों थोड़े कम करो यार। कोई नहीं यार, प्यार की बात है, हम फ्री में कर देंगे। या तो हम बहुत महंगे हैं यार, हम फ्री के। आए, 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 आए। चलो आपके लिए 75 लाख में कर देंगे। कितने में? 75 लाख। नहीं 75 लाख, देखिए ना आपकी ना मेरी, 2 लाख दूंगा। आपके घर भी कुछ आना चाहिए। अबे 2 लाख में इनके शो में 50 लाख का तो सिर्फ यो-यो बोलते हैं, यो-यो हनी सिंह। ये इसी 50 लाख बिल आता है, 50 लाख का यो-यो बोलते हैं। आप एक काम करना भाई, आप गाना गाना, यो-यो मैं बोल दूंगा। देखो मैं बात करो, 75 लाख एक रुपया कम नहीं होगा, देना दो नहीं तो निकल जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, अगर किसी और रिश्तेदार का भी नाम लेना होगा मैं वो भी ले दूंगा। देख लो अगर आप लोगों की मर्जी है, वरना मैं क्लास खेर को कर लूंगा। ये क्या कंपैरिजन हुआ? मतलब नहीं, वो गाता रहेगा जोशो हनी सिंह की, कहना वो मैं कहता रहूंगा। आपको पता नहीं है कि आपके लिए मैंने क्या करना है। 2500-2500 वाले नोट देने मैंने। 2500 के नोट कौन से होते हैं? मार्केट में है ही नहीं 2500 के नोट। मार्केट में नहीं है ना, अभी मैंने निकाला ही नहीं। ठीक है, एडवांस दे दो हमें। एडवांस दे दो आप भी तो एडवांस में गाना सुनाओ। हाँ जी, हाँ जी। कोई कमे पे जावे ना, रोटी पानी खावे ना, पूरी गोरी गुड़िया नु कोई बुलावे ना, गुड़िया नी तेरे वांगना, मुंडे पट्टे देनी सारे मेरे जावे, मेरे जावे, मेरे जावे, मेरे जावे, कुआ तेरे जावे, मेरे जावे, कुआ आहो। किस किस से तू भागेगी हुण बची बची के, तेनु रब ने हुसन दिता रज रज के, मैं क्या काली तेरी कुची के, पराटा तेरा ला किते चले हो सोने हो सज तज के, तेरे वर्गी नार नी होनी मैनु मुंडे कहंदे सी, हो गए नी तेरे चोच स्टार यू स्टोरी वी सी, ब्राउन ब्राउन स्किन वा लेट मी टेल यू वन थिंग, कबर दी सो यू सो सेक्स सी, कुड़िया रे तेरे पैसे वैसे चाहिए तो मुझे नहीं बताना। रिश्तेदारों को पता नहीं कब अकल आएगी। इतने बड़े बड़े स्टार आते हैं, बदतमीजों की तरह घुसाते हैं। एक तो पाजी आपने इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया, बच्चन साहब के साथ काम किया है, शाहरुख साहब के साथ काम किया है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आपने पहली बार उनसे मिले? बहुत कमाल। जितने बड़े कलाकार हैं, जितने बड़े लेजेंड्स हैं, वो उतने हम्बल हैं और वो उतने जमीनी हैं और उतने नेचुरल हैं। शाहरुख साहब ने जब घर पे बुलाया, वो बहुत कमाल मोमेंट था मेरी लाइफ का जी। वो बहुत जेन्युइन आदमी और बहुत कमाल आदमी। फर्स्ट टाइम मिला मैं उनसे, तो फिर उन्होंने बहुत प्यार से मिले और उन्होंने कहा यार हम एक पिक्चर बना रहे हैं चेन्नई एक्सप्रेस, तो इसके लिए कोई गाना बना, मेरा बेटा तेरा फैन है। तो मैंने कहा ठीक है भाजी, मैं कोशिश करता हूँ। तो फिर मेरे को लगा यार, मैंने उनको एक ही बात बोली जो मेरे को यकीन था, मैं कहा यार इतने बड़े आदमी ने इतने प्यार से मुझको बुलाया, या तो मैं इसको गाना नहीं दूंगा
अगर दूंगा तो हिंदुस्तान का इस साल का सबसे बड़ा गाना दूंगा। क्या बात है। तो मैं फिर छुट्टी ले ली मैंने एक महीने की, मैंने कहा यार अब ये करना है। मैं प्रॉपर साउथ इंडियन जोन में चला गया, मैं साउथ इंडियंस में ज्यादा रहा नहीं था, लेकिन मेरे को था कि मेरे को ये एक्सेंट और इस चीज पे वर्क करना है, ऑब्जर्वेशन करनी है। तो मैं फिल्में देखने लग गया साउथ इंडियन तमिल एंड डब्स। मुझसे मिल जाएगी तो तुम्हें बोला था उसने, उसका बाप तो मेरे को गोली मार देगा। तभी मैंने वो तभी वो ऑब्जर्व करके मैंने उसी एक्सेंट में रैप करने की कोशिश करी। नाइट क्लब में आया बैठो, मुझको रोकेगा खून और खाइको, मेरे मूड में डांस करेगा, किसी का डैडी से नहीं डरेगा। तो ये सब उसी एक्सेंट में कोशिश करी। तो प्रॉपर उसी उन्हीं को इम्प्रेस करने के लिए और उनकी फिल्म के लिए कुछ अच्छी चीज बन जाए, उस जोन में जाके ये चीज गाना लिखा और गाना लिख लिया मैंने। तो मैंने फोन किया उनके प्रोड्यूसर्स को, करीम भाई को। मैंने कहा करीम भाई वो गाना बन गया? हाँ तो मेल करो। मैं कहा भाजी जब बनवाना था तब घर पे बुलाया, बन गया तो मेल करो। मैं भाजी मैं आके सुनाता हूँ भाजी। तो फिर उन्हें दोबारा बुलाया घर पे, तो मैंने फिर गाना सुनाया। तो उनको थोड़ा सा वियर्ड लगा क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे मैं कोई पंजाबी गाना दूंगा। तो मैंने कहा भाजी मैंने आपको एक बात बोली थी जब मैं आया था कि या तो मैं गाना नहीं दूंगा या मैं वो गाना दूंगा जो इस साल का सबसे बड़ा गाना होगा। तो कहते तेरे को समझ में आ रहा है, तेरे को विश्वास है? मैं कहा भाजी पूरा विश्वास है। कहते गाना डालो, ये गाना शूट करेंगे। तो उन्होंने वो गाना डाला और गाना आप सबने पसंद किया और वो सुपर हिट हो गया। अरे वाह। तो ये चीजें कमाल है, मजेदार ऑब्जर्वेशन। पाजी जब आप कहीं पे पहुंच जाते हो किस जगह पे, वो सिर्फ टैलेंट ही नहीं होता पाजी, ये चीजें भी होती हैं। आपका दिल कितना अच्छा है, आप लोगों से किस तरीके से मिलते हैं, लोग आपसे कितना प्यार करते हैं। आप किसी से एक बार मिलो और उसके दिल में बस जाओ, ये आप में चीज है। शायद इसीलिए लोग आपसे इतना प्यार करते हैं और आज खास तौर पे आपसे मिलने के लिए यहाँ पे भी आए हैं और आपसे बात भी करना चाहते हैं। सो आप लोग एक एक करके हनी सिंह से अपने दिल की बात कर सकते हैं। जी सबसे पहले कौन आ रहे हैं? हाँ जी हनी सर। हेलो कपिल सर, क्या हाल है जी? हेलो हनी जी। सत श्री अकाल भाजी। सत श्री अकाल सिद्धू भाजी। बादशाह मेरे साथ मेरे दोस्त विकास जी आए उदयपुर से, राजस्थान से। अच्छा जी, क्या हाल है सर, वेलकम। आज जब सुबह ये आए तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आज शाम को जाना आपके शो पे, तो हमारी ना कुछ आपसे एक कंप्लेंट थी। हाँ जी। आप बुरा ना मत मानना। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे साथ मेरा बेटा अनमोल आया। क्या हाल है बेटा? मोहित भी साथ में। अच्छा जी, तो आपका जो भी गाने होते हैं, कंप्लेंट करनी थी आपने कि मेरे साथ ये। तो जो आपका जो गाने होते हैं जिसमें हमेशा पार्टियों का जिक्र होता है और दारू का जिक्र होता है, तो ये बात सोच के हमें काफी टेंशन होती है कि जो आने वाली जो यंग जनरेशन है इनका कैसे होएगा। हम लोग सुबह उठते हैं, 4 बजे उठो तो जैसे भजन कीर्तन होने चाहिए तो 4 बोतल वोडका सुनने को। तो ये जो जनरेशन आ रही है इसके बारे में थोड़ा हम चिंतित होते हैं, तो ये आपसे क्वेश्चन दो। पाजी ने आपके पापा है ना, ये अपने टाइम में पता है कौन से गाने सुनते थे? छलकाए जा आइए आपकी आंखों के होठों के जा। ये आप अपने टाइम में क्या छलकाते थे? अब एक गाना है, अगर उसका आप असली माना समझे, किसने समझा नहीं, मैं उन गानों की बात करूंगा जो अपने टाइम में विवाद में नहीं रहे। समझाओ यार, समझाओ। एक गाना बाजी, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, दिल की सलामी ले ले। ये कौन सी सलामी है जो रात को देनी है?